नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हज यात्रा को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे मुस्लिम समाज खुश हो गया है। दरअसल मोदी सरकार ने हज यात्रा में वीवीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है, जिससे अब सभी नेता, मंत्री या कोई भी वीआईपी शख्स आम लोगों की तरह ही हज की यात्रा पर जा पाएंगे। वीआईपी कल्चर खत्म होने से हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों पर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने हज यात्रियों के लिए वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब वीआईपी यात्रियों को अब आम हज यात्रियों की तरह यात्रा करनी होगी। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को वीआईपी कोटा आवंटित था और साल 2012 में ये वीआईपी कोटा लागू किया गया था, जिसके लिए 500 सीटें तय की गई थी, जिसमें 100 सीटें राष्ट्रपति, 75 सीटें उपराष्ट्रपति, 75 सीटें प्रधानमंत्री और 50 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित थी। इसमें से राष्ट्रपति के कोटे की 100 सीटों को छोड़कर बाकी सभी 400 वीआईपी सीटों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में ये सीटें भी आम लोगों को आवंटित की जा सकेंगी। अब सभी हज यात्री हज कमेटी और निजी टूर ऑपरेटर के जरिए ही हज यात्रा पर जा सकेंगे। हालांकि अभी तक नई हज नीति को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। नई हज नीति को लेकर जल्द ही घोषणा होने वाली है। हाल ही में सऊदी अरब ने 3 साल से हज करने वालों की संख्या पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के इस फैसले के बाद जितनी तादाद में कोरोना महामारी से पहले जायरीन हज करते थे, अब वो उतनी ही संख्या में हज के लिए जा सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने आयु सीमा के प्रतिबंध को भी हटाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कोरोना से पहले 2019 में लगभग 25 लाख लोग हज पर गए थे, लेकिन महामारी के कारण उसके बाद से 2 सालों में जायरीनों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। सऊदी अरब के हज उमराह मंत्री तौफीक अल राबिया ने कहा था कि सऊदी अरब इस साल हज यात्रियों की संख्या को सीमित नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महामारी से पहले की तरह ही जायरीनों को बिना किसी उम्र सीमा के साथ हज करने की अनुमति होगी। इससे पहले जायरीनों की अधिकतम उम्र सीमा 65 साल निर्धारित थी। हज यात्रा से वीआईपी कोटा खत्म होने से आम मुसलमानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वीआईपी कोटे की 400 सीटें भी अब आम लोगों को मिल पाएगी और वीआईपी लोग भी आम लोगों की तरह ही हज यात्रा पर जा पाएंगे। पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थी, जिन्हें की अब खत्म किया जाएगा। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे, जिसको लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।